नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल लर्न टू अर्न बाय केआर। सो फ्रेंड्स, टुडे वुड बी डिस्कसिंग अबाउट बजाज फिनेंस, बिकॉज बजाज फिनेंस के चार्ट में बहुत बड़ा क्रैक आ गया है और इसमें और अभी जो गिरावट जो है और इसमें एक्सपेक्टेड है। अभी प्राइस देख सकते हैं 6763 का चल रहा है, यहाँ से अभी और गिरावट आ सकता है। क्यों गिरावट आएगा वो हम लोग डिस्कस करें, किस कारण से जो रहता है क्वार्टर 3 रिजल्ट के बाद जो रहता है इसमें और गिरावट आ रहा है, सभी चीजों को डिस्कस जाएगा वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रेंड, अभी क्वेश्चन ये राइज होगा कि नहीं, जब सब कुछ हो जाता है तब लोग बताते हैं, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था 2 दिन पहले, चेक कर सकते हैं। यहाँ पर क्रैश हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर क्रिएटेड है, एंड इस कारण से जो रहता है यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक पैटर्न जो है जिसे कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न, वो ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। देख सकते हैं इस जगह पर, एक ये हो गया शोल्डर, दूसरा आपका हो गया ये हेड, एंड दूसरा ये आपका हो गया शोल्डर। ये जो है नेकलाइन का ब्रेकआउट है, ये नेकलाइन टूटेगा तो देखिए ऑलरेडी टूट रहा है। वीकली क्लोजिंग इसमें या डेली क्लोजिंग आ जाएगा इस प्राइस के नीचे, 6750 के नीचे इसका क्लोजिंग आएगा आपको दिखेगा। फिर इतना जो प्राइस आप देख सकते हैं, ये लगभग 1400 का डिफरेंस है, 1400 का डिफरेंस है। इस 1400 तक आप जाइएगा तो देखिएगा ये लेवल आपका निकल कर आ रहा है, इस जगह तक नीचे तक जाने का चांस है, जो कि लगभग 5500 से लेकर के 5400 के रेंज में आता है। उस वहां तक आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। सो क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन है यहाँ पर, ओके ब्रेकडाउन है, बताना चाहूंगा, रिपीट करूंगा फिर से। अच्छा खासा हो चुका है, तो गिरावट का रीजन क्या है? देखिए यहाँ पर गिरावट का रीजन बताया जा रहा है कि बजाज फिनेंस सेल्स प्लंजेस 5% ऑन Q3 एसेट क्वालिटीज के कारण, एसेट क्वालिटी कंपनी का खराब हो चुका है, एंड इस कारण से जो रहता है यहाँ पर भारी भरकम यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला चीज टेक्निकल एंड बिलो एक्सपेक्टेशन कंपनी का रिजल्ट आया, तो बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट आना, एसेट क्वालिटी खराब होना, इन सभी चीजों के कारण। और प्लस इसके अलावा जो रीजन मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर स्टेट किया था वो था कि लोगों के पास ज्यादा बड़ा अच्छा ऑप्शंस आना, जैसे कि श्रीराम फाइनेंस का आना, जियो फाइनेंस का आना, चोलामंडलम फाइनेंस का, तो इन सभी फाइनेंशियल सेक्टर में अच्छे अच्छे ऑप्शन आ जाने के कारण जो रहता है अब जो रहता है बजाज फाइनेंस लोगों को खराब लग रहा है। लोगों को खराब लगने के पीछे एक ही रीजन है, मैं वो बता रहा हूँ आपको, वो है टेक्निकल। कंपनी का टेक्निकल अभी बेहद खराब हो चुका है, एंड कंपनी का वैल्यूशन जो रहता है 30.4 का है, देख सकते हैं ये 23 का है, तो इसका वैल्यूशन जो रहता है अभी इंडस्ट्री के वैल्यूशन से काफी हाई हो गया है। मार्केट कैप 4,17,000 था, लास्ट मीटिंग चेक कीजिएगा, अच्छा खासा वैल्यूशन इसका डिक्रीज होता जा रहा है। प्योरस्कोर 4 है, 9 से जितना करीब उतना अच्छा माना जाता है, तो 4 बेहद खराब है। प्रॉफिटेबल स्टॉक है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है, एंड डेट कंपनी के ऊपर हमेशा हाई रहेगा, बिकॉज क्योंकि ये एनबीएफसी कंपनी है। और इसके अलावा देखिए 30 का मल्टीपल में ट्रेड कर रही है, अगर पीयर्स का चेक कीजिएगा तो श्रीराम फाइनेंस जो रहता है देख सकते हैं इस जगह पर 13 के मल्टीपल में है, वो 30 के मल्टीपल में है, ये 13 के मल्टीपल में, 14 के मल्टीपल में, तो काफी सस्ते वैल्यूएशन में श्रीराम फाइनेंस मिल रहा है, दूसरे और एनबीएफसी मिल रहे हैं। इस कारण से जो रहता है अभी लोगों का जो रहता है चॉइस जो रहता है इन एनबीएफसी की तरफ जा रहा है, एंड प्लस टेक्निकली इसे कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा, टेक्निकली काफी वीक हो चुका है ये चार्ट, ओके। एंड प्लस अभी अगर शेयरिंग स्टॉक को चेक कीजिएगा, देखिए प्रमोटर थोड़ा अपना स्टेक डिक्रीज किए हैं, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है, 55.87 से गिर करके 54.78 हुआ है। ये उसके जगह पे एफआई ने, प्रमोटर ने बेचा तो एफआई ने खरीद लिया, 20.41 से 20.90 हुआ है। एंड यहाँ पर डीआई ने भी खरीदा है 13.05 से 14.0, यानी प्रमोटर ने बेचा वो एफआई डीआई ने मिलकर के खरीद लिया है, एंड पब्लिक ने भी बेचा 10.50 से 10.17 हुआ है। तो चार्ट काफी नेगेटिव है, एंड मैंने टारगेट ऑलरेडी आपको बता दिया है कि काफी नीचे का टारगेट 55,400 से 5,500 के बीच में निकल कर आ रहा है, बिकॉज ये पैटर्न तभी कंप्लीट होगा, ओके। सो ये था इंपॉर्टेंट अपडेट रिगार्डिंग बजाज फिनांस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।